ये आलू जो है ना, ये आलू लगा दिया हमने यहाँ पे। तो दोस्तों हमारा खाना तैयार, हमने गिरा देसी घी सरसों के साथ पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में, ब्लॉग नंबर 14 डे नंबर 14 30 डे ब्लॉग चैलेंज के अंदर। तो सुबह सुबह हम उठ चुके हैं और अब हम पियेंगे चाय। तो मम्मी ने चाय डाल दी है, तो हम दोनों सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अब हम पियेंगे पहले चाय, और चाय के साथ हम लोग क्या लेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। हम लेंगे डबल रोटी। तो हम खाएंगे चाय और डबल रोटी सुबह सुबह, क्योंकि हम लोग पहले हल्का नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद ऑफिस जाते हुए फिर कुछ हम लोग खा के जाएंगे और अपना टिफिन लेके जाएंगे। तो क्या है ना दोस्तों, सुबह खाली पेट चाय वगैरह खाली नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि एसिड वगैरह की दिक्कत हो जाती है, तेजाब बना देती है। तो बिस्किट या डबल रोटी वगैरह ना खा लेनी चाहिए सुबह चाय के साथ। पहले तो उठ के सबसे पहले गर्म पानी पीना चाहिए। हम लोग पहले उठते हैं सुबह, सबसे पहले हम लोग गर्म पानी करते हैं। सर्दियों का टाइम आ गया ना, तो पहले गर्म पानी करते हैं, फिर गर्म पानी पीते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी चाय लेते हैं, और फिर उसके साथ या बिस्किट डबल रोटी रस कुछ भी खा लो, क्योंकि ना इससे एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, वरना ना गैस बनने लगती है कई लोगों को। तो फटाफट डबल रोटी खाते हैं, चाय पीते हैं और फिर तैयार हो जाते हैं और फिर अपना नाश्ता करेंगे और फिर लंच लेके जाएंगे। तो गाइस जब फटाफट नहा धो लेते हैं और तैयार हो जाते हैं, तो ये देखिए हमारे जो आलू थे वो निकल गए हैं। देखो आपको दिखाता हूँ मैं, ये आलू जो है ना, ये आलू लगा दिए अब हमने यहाँ पे। ये देखो, ये यहाँ से वहां तक ना पूरे आलू आलू लगा दिए, वहां तक हमने पूरे यहाँ पूरी कैरी के अंदर यहाँ से वहां तक सारे आलू लगा दिए और आलू निकलने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे पालक वगैरह नहीं हुई, क्योंकि ना ये पेड़ है ना ऊपर बड़ा पेड़ है, ये देखो पपीते वाला पेड़ है, तो इस पपीते के पेड़ की वजह से ना इसको धूप नहीं मिल पा रही सही से। तो ये पालक वगैरह तो नहीं हुई यहाँ पे, पर अब हमने यहाँ पे ना आलू उगा दिए, आलू हो जाएंगे यहाँ पे। बस धो लेते हैं, थोड़ा ब्रश वगैरह कर लेते हैं। तो गाइस वैसे तो हम लोग यूज करते हैं दातुन को ही, पर बीच बीच में हफ्ते में एक दो बार ना कोलगेट वगैरह भी यूज कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ तो ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे दातुन वगैरह के लिए अच्छी होती हैं। तो ज्यादातर तो दातुन वगैरह यूज करनी चाहिए, क्योंकि ना उससे फिर कीड़े वगैरह नहीं लगते, मजबूत रहती है। पर बीच बीच में ब्रश भी कर लेना चाहिए, क्या स्मेल वगैरह भी आने लग जाती है। तो इसके अंदर मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं कोलगेट वगैरह में जिसे स्मेल वगैरह भी नहीं आती। मुंह हाथ हमने धो लिया फटा से, तो अब हम जाते हैं और मम्मी को कैसरोल दे के आते हैं। कैसरोल हम लोग शाम को टीवी देखते हुए यहीं पे खाते हैं ना, तो कैसरोल यहीं पे रह जाता है। ये अभी तक सुते पड़े हैं ऐसी लोग, और हम कैसरोल उठा लिया हमने पुराने वाला, अब ये यूज कर रहे हैं। पर आपको जैसे मैंने मम्मी को, हमारे पास इतने वाला कैसरोल जहाँ मम्मी ना था वो भी है, पर पहले ये येलो वाला यूज कर लेते हैं, बाद में इसको धो के रख देंगे, फिर हम ब्लू वाला यूज करेंगे। गाय की रोटी, पहले गाय की रोटी बना देते हैं एक हम। तो आप लोग भी पहले जब रोटी बनाते हो तो बेजुबान पशु के लिए यानी कि गाय के लिए एक रोटी बना के रख दिया करो, और जैसे गाय आती है आपके घर के आसपास तो एक रोटी उसे भी दे दिया करो, क्यों वो तो मुंह खोल के मांग नहीं सकते। बाकी अब हम क्या करते हैं, कैसरोल हमने दे दिया, अब हम खाना खाएंगे। मम्मी रोटी बना रही है यहाँ पे, और अब हम फटाफट खाना खाएंगे, बस रोटी बन जाएगी तब। उससे पहले मैं नहा के आ जाता हूँ, थोड़ा तो और दो चार काम है, ठीक है, उसके बाद वो काम निपटाने के बाद पहले मैं नहाऊंगा, तैयार होऊंगा और फिर हम खाना खाते हैं। हम नहा चुके हैं, फटाफट से चलते हैं और अब कपड़े पहन लेते हैं। शर्ट मैंने ले ली, अब शर्ट पहनते हैं फटाफट अपने दुकान वाले रूम में जाके, क्या यहाँ पे दुकान का भी ध्यान रखना पड़ता है, कोई दुकान पे सुबह सुबह आ गया तो यहाँ पे यानी कि मैं काम भी करता रहता हूँ और साथ में दुकान में अगर कोई आ जाए तो पीछे दुकान में सामान भी दे देता हूँ। तो चलिए गाइस शर्ट पहनता हूँ, पहले रेडी हो जाता हूँ, फिर उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट भी करना है। तो गाइस देखिए हम लोग पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं, ये देखिए अब पीछे बस ये हमारा काम रह गया, थोड़ा सा हम यहाँ पे सोते हैं ना, तो कपड़े वगैरह बिस्तर वगैरह सेट कर देते हैं, उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट लेने चलता हूँ और फिर देखते हैं कि आज ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा। पूछ लेते हैं मम्मी को, ब्रेकफास्ट रेडी है क्या, बन गया ब्रेकफास्ट? ठीक है, तो गाइस चलिए फटाफट ब्रेकफास्ट लेके आते हैं, करते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद हम चलते हैं अपने ऑफिस की तरफ में। प्लेट उठा लेते हैं, ये देखो छोटे बच्चों वाली जिसमें दो गोलियां होती है, इसमें मैं खाता हूँ, इसमें अच्छा रहता है खाने के लिए, दो सब्जियां एक साथ आ जाती है। मम्मी यहाँ रोटी डाल रही है, ये तो आज हमें क्या मिला है, चलो देखते हैं हमें क्या। हम खाएंगे हरा साग, देसी खाना, तो हरा साग बनाया आज, ये देखो हरे साग के ऊपर हम थोड़ा सा घी गिरवाएंगे। दोस्तों हमारा खाना तैयार, हमने गिरा देसी घी सरसों के साग पे और हमने ली दो तीन रोटियां, क्योंकि क्या है कि देसी खाना होता है ना, तो देसी घी के बगैर उसका मजा नहीं आता। तब हमने खाना तैयार कर लिया, चाय और डाल लेते हैं, क्योंकि चाय डाल लेते हैं हम लोग,
चाय के बगैर क्या मजा है, सर्दियों में तो चाय चाय चाहिए होती है हमें। चाय 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 तैयार है बिल्कुल, हमारा नाश्ता भी ये देखो बिल्कुल तैयार है यहाँ पे, चाय नाश्ता रेडी। अब हम करते हैं नाश्ता, अब फटाफट अपना बाकी का काम निपटा के चलते हैं ऑफिस। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे ऑफिस के अंदर, और आते ही यानी कि मैं थोड़ा सीख रहा हूँ यूट्यूब बाबा से। आप देखिए मैं यूट्यूब बाबा जो है हमारे टेक चैंपियन जी, उनकी एक वीडियो देख रहा हूँ, क्योंकि ये बता रहे हैं कुछ मोनेटाइजेशन से रिलेटेड कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं, तो चलो इनकी बात समझते हैं पहले। और गाइस आज की वीडियो के अंदर इतना ही, क्योंकि आज धनतेरस भी है, तो गाइस हैप्पी धनतेरस। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। गाइस अभी क्या है कि हमारे पास थोड़े साधन भी कमी है, इसलिए हो सकता है आपको वीडियो की क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी कम लगती हो। गाइस फिर भी सपोर्ट कीजिए, गाइस आप चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक शेयर, क्योंकि आपका साथ रहेगा तो हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोज शूट करते रहेंगे।